हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर थिंग्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आए हैं हम लोग, टाइमर के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, जैसा कि रूल है, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन पूरा रीड करूंगा, उसके ऑप्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको 6 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको आंसर करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मॉक टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है भटपुरा, मानपुरा, मांडी या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों, ये तीनों सही हैं, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट अयस्क उत्पादन करने वाले जिले हैं। तो दोस्तों, कौन से जिले हैं? बांदा और वाराणसी, झांसी हमीरपुर, मिर्जापुर व ललितपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर बॉक्साइट उत्पादन करने के लिए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, बांदा और वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसी परिक्रमा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से? आपके ऑप्शन है बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या या हरिद्वार। तो क्या होगा इसका आंसर? कोसी परिक्रमा, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अयोध्या से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, ललितपुर, सोनभद्र या हमीरपुर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गाजियाबाद। ठीक है, अब दोस्तों, आप लोग मुझे ये लास्ट में वीडियो के एंड में जरूर बताइए कि आप 20 क्वेश्चनों में से कितने अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले से कोयला उत्पादन होता है? तो इलाहाबाद, कानपुर, मिर्जापुर या झांसी। तो किस जिले में होता है कोयला उत्पादन? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिर्जापुर में। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पीलीभीत, देवरिया, बस्ती या बलिया। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ए, पीलीभीत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु गणराज्य में किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों, किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन है सारनाथ में, रामग्राम में, लुम्बिनी में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? कपिला वस्तु किस गणराज्य में आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर? सेवेंथ का इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लुम्बिनी में स्थित था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की किस शाखा में एक व्यक्तिगत इकाई, परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? अनुप्रयोग अर्थशास्त्र, समिष्ट अर्थशास्त्र, वर्णमूलक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो क्या होगा इसका आंसर? किस शाखा में इकाई, परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कनिक्स बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो दोस्तों, किस शाखा का अनुयायी था कनिक्स? हीनयान, महायान, ब्रजयान या माध्यमिका। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, महायान का। क्या था शाखा का अनुयायी? था कनिक्स। ठीक है, शासक था जो। अगला क्वेश्चन देखिए। समता मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों, क्या परत कहलाती है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे गोरिया कहते हैं, जोरिया कहते हैं दोस्तों, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? तो इसके ऑप्शन है आपके हिसार डेल, गुरेत,
काठियावाड़ी या कोयम्बटूर। तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तम किस्म की जो कारपेट ऊन होती है यूरोप को निर्यात की जाती है, जोरिया कहते हैं वो भेड़ की किस नस्ल से मिलती है। तो आपके टाइम शुरू हो गया, आप आंसर करके बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा काठियावाड़ी। ठीक है, काठियावाड़ी भेड़ की नस्ल से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से किस में किया जाता है? किस में किया जाता है? आपके ऑप्शन है जल में, कैरोसिन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या क्लोरोफॉर्म में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैरोसिन में। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम धातु को, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आने पर जलने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और आंसर करने की कोशिश करिएगा उसका। क्वार्टरजाइट कायंत्रित होता है, तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? चूना पत्थर से, ऑब्सीडियन से, या बलुआ पत्थर से, या सेल से। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वार्टरजाइट, इसका आंसर हो जाएगा सी, बलुआ पत्थर से होता है। ठीक है, कायंत्रित, क्वार्टरजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से लिंग सैलंग विकार है, तो किसका विकार है दोस्तों? आपके ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो क्या होगा इसका आंसर? लिंग सहलंग विकार, डिजीज, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिलीन फॉर्मल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है आपके एंथैल्पी, प्रसारित, अवंजनीय बर्तनों में, या आबंध कोटि में। तो क्या होगा आंसर? मैथिलीन फॉर्मल्डिहाइड, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अभंजनीय बर्तनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अर्धसूत्रों की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है जीन विनिमय, युग्मक संलयन, सूत्र युग्मन, या युक्त पराग कोशी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए इसका, 16 क्वेश्चन का। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सूत्र युग्मन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया या यूएई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चाइना। ठीक है, चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो आपके ऑप्शन है गोवा, गुजरात, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, उड़ीसा। ठीक है, सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो किस नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात? जम्बोजी, बोलिविया, एमेजोन या मिसौरी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए पहले आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जैम्बोजी नदी से। ठीक है, आज के हम लोग मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4 में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। राष्ट्रीय आय कहलाती है, क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है बाजार मूल पर एनएनपी, बाजार मूल पर एनडीपी, साधन लागत पर एनडीपी या साधन लागत पर एनएनपी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, साधन लागत पर एनएनपी। ठीक है, अब दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से आप कितने कर पाए और कितने आपको आंसर नहीं आए। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने ज़्यादा आपने गलत करे। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से लोगों को, ताकि जिन लोगों का यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है उन लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके न्यूज़ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।